नाम रचना खन्ना है, मैं दिल्ली से हूँ और एक पंजाबी घराने से ताल्लुक रखती हूँ। कौन सी फिल्म आपकी पहली आ रही है? अभी मेरी पहली फिल्म पटेल की पंजाबी शादी, जिसमें ऋषि कपूर हैं, परेश रावल, वीरदास, और ये जो फिल्म है बिल्कुल कॉमेडी फिल्म है, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। इसमें मेरा किरदार भी एक पंजाबी का है और बहुत ही सिंपल एंड सॉफ्ट कैरेक्टर है, लोगों को मेरा किरदार ज़रूर पसंद आएगा। क्या कहेंगे डायरेक्टर के बारे में, जो इस फिल्म के डायरेक्टर? हमारी फिल्म के डायरेक्टर का नाम संजय छैल है, लोग जानते हैं उनके बारे में, बहुत अच्छे डायलॉग राइटर हैं। और इस फिल्म में जो उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स लिखे हैं। ये फिल्म कॉमेडी है तो लोग जब इसे देखेंगे तो बहुत पसंद करेंगे। डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अच्छा, आपने कुछ टीवी शोज़ और थिएटर से भी शुरुआत की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी हाँ, दरअसल मैंने मेरे अभिनय की शुरुआत इस्कॉन के रंगमंच, जिसका कि नाम है भक्ति कला क्षेत्र, उससे की है। और उसके बाद मैंने नीला टेलीफिल्म्स का शो कृष्णाबेन खाखरा वाला किया, और फिर उसके बाद अब ये जो है ये मेरी पहली फिल्म है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, इसके अलावा भी एक फिल्म आप कर रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ जी हाँ, मैं इसके अलावा एक और फिल्म कर रही हूँ, प्रकाश झा की फिल्म है वो, और उस फिल्म का नाम फ्रॉड संया है, जिसमें अर्शद वारसी और सौरभ शुक्ला जी हैं। उसमें मैं एक बिहारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो। फिल्म भी जब आएगी तब लोगों को वो भी बहुत पसंद आएगी। पटेल की पंजाबी शादी में मैं एकदम अलग किरदार में नजर आऊंगी, और फ्रॉड संया में बिल्कुल अलग, तो ऑडियंस को मेरे दो डिफरेंट शेड्स देखने को मिलेंगे। कुछ सावधान इंडिया के भी आपको शोध कर चुकी हैं? जी हाँ, मैंने एक्चुअली सावधान इंडिया जो है फ्रैंकलिन कंपनी के लिए किया है, और मैं दो स्टोरीज एज ए लीड कर चुकी हूँ। किस तरह के किरदार करना चाहती हूँ आगे? जो भी मुझे चैलेंजिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसा कुछ पर्टिकुलर मैंने सोचा नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ किरदार करना है। जो भी कुछ इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग होगा डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करूँगी, और आई एम श्योर मेरे को हर अलग अलग किरदार में जब लोग देखेंगे तो मेरा हर अलग किरदार को पसंद करेंगे। आपकी एक शॉर्ट फिल्म की भी चर्चा है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जी एक्चुअली मेरी शॉर्ट फिल्म का नाम अनफेथफुल है, और वो मेरे अपने ही बैनर यसरा आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म है, पहली शॉर्ट फिल्म यूट्यूब के लिए। क्या उसका सब्जेक्ट है, अनफेथफुल मतलब क्या? बेवफा के ऊपर कहानी? एग्जैक्टली बेवफा के ऊपर ही है ये स्टोरी, हस्बैंड और वाइफ की है। और इसमें किस तरह से जो वाइफ है उससे गलती हो जाती है, फिर उसके बाद में उसके हस्बैंड को जब उसकी उस गलती के बारे में पता चलता है, वाइफ उसे किस तरह से सॉफ्टली मनाने की कोशिश करती है, उसे सॉरी बोलती है, रिक्वेस्ट करती है रिलेशन को सेव करने की, लेकिन एट लास्ट हस्बैंड जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है वाइफ की बेवफाई से, वो अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। तो इट्स लाइक अनफेथफुल। जी चलिए, थैंक यू, वेलकम।